एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमसीबी। आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल इजी मेथड का ग्रैंड सारी कुछ डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने मैट पर्ल्स लिए हैं मीडियम साइज़ के, और मैंने ये गोल्डन कलर के रिंग्स लिए हैं इस तरह के। मैंने यहाँ पे 6 स्ट्रैंड्स ऑफ जरी थ्रेड लिया है और 70 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड ले लिया है। एक और नीडल में मैंने 4 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस टेप और मार्कर की मदद से पल्लू पे एवरी 1 इंच के डिस्टेंस पे हमें मार्क कर लेना है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से एवरी 1 इंच के डिस्टेंस पे मार्क करने के बाद ये जो हमने 4 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया था नॉर्मल सेविंग नीडल में, इस मार्क के ऊपर से हमें नीडल को पास कर लेना है। और अब इन थ्रेड्स को नीड करते हुए हमें इन थ्रेड्स को लगभग 3 to 4 inches तक लंबा रखना है। ये देख सकते हैं, उसके बाद इन थ्रेड्स को हम कट कर लेंगे। और अब इन थ्रेड्स को हम यहाँ पे एक अच्छे से टाइटली नॉट लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सिंगल नॉट लगाना है और बहुत ही टाइटली एक नॉट लगाना है इस तरीके से। और अब नेक्स्ट हमें इन थ्रेड्स में से 2 पार्ट्स बनाने हैं। हमें यहाँ पे इक्वली 2 पार्ट्स बनाना है। और अब नेक्स्ट हमें ये फर्स्ट वाला जो थ्रेड है इसमें से नीडल को पास करके इस नीडल में फर्स्ट हम एक मैट बीड इंसर्ट करके ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसको हम ये जो हमने मैट पर्ल इंसर्ट किया था इसमें से अपोजिट डायरेक्शन में पास कर लेंगे और इसे सेट कर लेंगे। और अब नेक्स्ट ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें से नीडल को पास कर लेंगे। और अब इस नीडल में हमें एक गोल्डन कलर का रिंग, एक मैट बीड, एक गोल्डन कलर का रिंग और फिर से एक मैट बीड, इस तरीके से इन बीड्स को इंसर्ट करना है और फिर से एक गोल्डन कलर का रिंग। हमें बीड्स इंसर्ट करने के बाद ये जो अनदर साइड वाला पार्ट है इसमें से हम नीडल को पास करेंगे। और यहाँ पे हमें सबसे पहले एक गोल्डन कलर का रिंग, एक मैट बीड, एक गोल्डन कलर का रिंग, एक मैट बीड, और अब लास्ट में हमें फिर से एक गोल्डन कलर का रिंग, इस तरीके से हमें बीड्स इंसर्ट कर लेने हैं। और अब इन दोनों थ्रेड्स को हम नीट कर लेंगे। ये जो ऊपर वाला फर्स्ट बीड है इसे बिल्कुल सेंटर में लाना है। और उसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें से नीडल को पास करके यहाँ पे एक मैट बीड इंसर्ट करेंगे। और ये जो अनदर पार्ट है इसको हम नीडल में इंसर्ट करके ये जो हमने लास्ट में बीड इंसर्ट किया था उस बीड में से इन थ्रेड्स को इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में पास कर लेना है। और अब इन सभी बीड्स को हम अच्छे से टाइटली सेट करेंगे। फर्स्ट वाला बीड ऊपर का पहले हमें सेट करना है सेंटर में, उसके बाद इन सभी बीड्स को अच्छे से टाइटली सेट करना है। और अब यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को मिला के एक टाइटली नॉट लगाना है। फ्रेंड्स, इन बीड्स के बीच में हमें बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है और यहाँ पे एक अच्छे से नॉट लगाना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से। और अब इसी तरह से हमें एवरी 1 इंच के डिस्टेंस पे बीड वर्किंग करना है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं मैंने बीड वर्क कंप्लीट कर लिया है। और अब नेक्स्ट हमें 70 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेना है। ये जो हमने नॉट लगाया था इन बीड्स के नीचे, यहाँ से हमें नीडल को पास करना है और यहाँ पे हमें कुच्चू बनाना है। फ्रेंड्स, आप चाहो तो यहाँ पे हाफ एंड हाफ डबल कलर का कुच्चू भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको इजीली जल्द से जल्द मिल जाएंगे।
फ्रेंड्स ऑल्सो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर और फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा मैंने और भी अलग अलग लेटेस्ट सारी कुच्चू टसल्स डिज़ाइन बनाए हुए हैं, उन सभी का मैंने एक प्लेलिस्ट बना के उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, वो सभी वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे। और अब हमें इन जरी थ्रेड का एक और नॉट लगाना है। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर साइड में नॉट लगाना है, इस कुच्चू के साइड में नॉट लगाना है। इसके बाद इन जरी थ्रेड के सेंटर में से नीडल को हम पास कर लेंगे इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पे इस सिल्क थ्रेड और इन जरी थ्रेड दोनों को मिला के नीट कर लेना है। और अब इन दोनों थ्रेड्स को एट ए टाइम हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स आप चाहो तो यहाँ पे बेबी कुच्चू बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे नॉर्मल कुच्चू बनाया है। और अब इसी तरह से हम बाकी सभी में भी कुच्चू बनाएंगे। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं अभी वर्क कंप्लीट कर लिया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो इसी तरह के लेटेस्ट डिज़ाइंस के लिए हमेशा चैनल का सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन एक नए वर्क के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।